साल 2017 में हुए गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज के ऑक्सीजन कांड के बाद झांसी के मेडिकल कॉलेज अग्निकांड से उत्तर प्रदेश एक बार फिर दहल उठा। इस अग्निकांड में कुल 10 नवजात शिशुओं की जान चली गई। बताया जा रहा है कि महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के नवजात शिशु वार्ड में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बन गया। नवजात बच्चों के माता पिता अपने बच्चों को बचाने की गुहार लगाते नजर आए। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक 10 नवजात दम तोड़ चुके थे, जबकि 47 के करीब नवजातों को बचा लिया गया है। ये की घटना है, फिक्स 10 बजे की घटना है, उसमें आग लगी। हमारा नाम बुला हमारे बच्चे का, हम वहाँ अंदर गए कि डॉक्टर आए होंगे। जब हमने वहाँ देखा कि आग लग चुकी है, नर्सें सब बाहर निकलने लगी, तो हमने जाके कहा कि आग लग गई, हम चिल्लाए। हमने जाके वहाँ कम से कम 20-25 बच्चों को बाहर निकाला, बाहर की खिड़की तोड़ी, हम क्रेटों को लेके आए, जो क्रेटों में बच्चे रखे रहते हैं उनको बाहर की खिड़की से बाहर किया, कुछ अंदर से बच्चे निकाले। नर्सें सारी भाग चुकी थी, उनका एक व्यक्ति था जो अग्नि बुझाने वाला यंत्र लेके गया था, वो झुलझा है और वहाँ कोई नहीं था। वहीं इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए झांसी सीएमएस सचिन मेहर ने बताया कि महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के NICU वार्ड में 54 बच्चे भर्ती थे। अचानक से आग लग गई, जिसे बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन आग तेजी से फैल गई। उनके मुताबिक ज्यादातर बच्चे ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे। जैसा मैंने बताया है कि वहाँ पे जो NICU वार्ड है, NICU वार्ड में 54 बच्चे भर्ती थे और उसमें अचानक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में आग लग गई, जिसको बुझाने की कोशिशें की गई, लेकिन क्योंकि कमरा पूरा ही हाईली ऑक्सीजनेटेड रहता, क्योंकि सभी बच्चों को ऑक्सीजन चल रहा था, तो आग तुरंत फैल गई। सामने दीजिए, आग तुरंत फैल गई और उस पर जितना कोशिश की गई, जितना हम लोग कर पाए हमने कोशिश की, और उसमें से लगभग ज़्यादातर बच्चों को बाहर निकाल लिया गया, सकुशल निकाला गया है, और 10 बच्चे उसमें अभी तक कोलैप्स हो चुके हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने तुरंत हादसे का संज्ञान लिया है और अधिकारियों को तुरंत राहत और बचाव काम शुरू करने के निर्देश दिए। सीएम ने घटना पर दुख भी जताया और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। मुख्यमंत्री योगी ने डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक को तुरंत झांसी भेजा। सीएम योगी ने घटना की जांच रिपोर्ट 12 घंटे में देने को कहा है। कमिश्नर और DIG हादसे की जांच कर रहे हैं, जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। इसके साथ ही वार्ड में भर्ती बाकी बच्चों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है।